करंट में स्मार्टफोन में कौन कौन से टॉपिक्स काफी ज्यादा सर्चेबल है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट। हे फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू दिस चैनल और उससे भी ज्यादा इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखने के लिए, अपने आर्टिकल को लिखने के लिए बहुत सारे प्रीमियम टूल्स यूज करते हैं, लाइक AHRF, सीमरस और भी ऐसे बहुत सारे अवेलेबल टूल हैं ऑनलाइन मार्केट में जिसका यूज करते हैं वो कीवर्ड रिसर्च के लिए। बट मैं आज बात करने वाला हूँ कि आप फ्री में कैसे कर सकते हो, जो कि बहुत ही जेन्युइन तरीका है। इससे आसानी से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आप आराम से रैंक करने में हेल्प करोगे अपनी ब्लॉग पोस्ट को। एंड हम सभी जानते हैं कि सीमरस और AHRF जैसे टूल को अफोर्ड कर पाना एक बिगनर्स के लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ जाता है, तो कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए बेसिकली मैं आ जाता हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे, और सबसे जो पहला ट्रिक है वो गूगल का ही हेल्प लेना। अगर आप स्मार्टफोन के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो आप यहीं पे, आप सर्च बार देख सकते हो, यहाँ पे ही स्मार्टफोन टाइप कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा और भी इससे रिलेटेड टर्म कि गूगल पे ऐसे कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। आपने स्मार्टफोन डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे अदर कीवर्ड्स आ गए, आप इन पे सिंपली क्लिक कर लोगे। इसके बाद आपको ऊबर सजेस्ट टूल का यूज कर लेना है, या आप कीवर्ड आयो टूल का भी यूज कर सकते हो, जो साइड में आपको कुछ इस तरीके से बता देता है। यहाँ पे आप एक्सटेंशन देख सकते हो ऊबर सजेस्ट, जिसको इंस्टॉल करना काफी ज्यादा सिंपल है। आप क्रोम वेब स्टोर पे जाके ऊबर सजेस्ट टाइप करोगे तो वहां पे ये एक्सटेंशन ऑलरेडी आ जाएगा आपके सामने, और वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे कुछ डेटास आपके ऑलरेडी शो होने लगेंगे। तो यहाँ से बेसिकली आप बहुत सारे कीवर्ड्स गेन कर सकते हो। जो दूसरा तरीका है, गूगल ट्रेंड, आप अपने ब्लॉग्स के लिए उन ट्रेंडी कीवर्ड्स को यूज कर सकते हो जो कि सर्च में काफी ज्यादा आ रहे हैं इधर बीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल ट्रेंड मैंने टाइप करा, यहाँ पे गूगल ट्रेंड आ चुका है, एंड आप इससे भी काफी ज्यादा हेल्प ले सकते हो कि कौन कौन से कीवर्ड कितना ज्यादा सर्च होते हैं। मैं यहाँ पे स्मार्टफोन डाल देता हूँ कि कितना लोग सर्च करते हैं, एंड आपको एंटर प्रेस कर देना है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इंडिया में कितना ज्यादा लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी डेटाज यहाँ पे शो हो जाती हैं गूगल ट्रेंड की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हो नवंबर में, अक्टूबर में, एंड करंट फेब में जो ग्राफ है वो इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, और इससे रिलेटेड आप और भी चीजें जान सकते हो, करंट में स्मार्टफोन में कौन कौन से टॉपिक्स काफी ज्यादा सर्चेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट IQ Z3, ये टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, Xiaomi Redmi Note 10S। तो इन सभी कीवर्ड का यूज करके आप ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो। तो इस तरीके से दूसरा जो मेथड था वो आपके सामने मैंने रख दिया, जो कि गूगल ट्रेंड था। थर्ड मेथड है वो है गूगल एडवर्ड का कीवर्ड रिसर्च टूल। अगर आप गूगल एडवर्ड यूज करते हो तो आपको पता होगा कि आप गूगल एडवर्ड के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, जहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। यहाँ पे बेसिकली गूगल एड्स का यूज लोग अपने कैंपेन को रन करने के लिए करते हैं। यहाँ पे ऐसे टूल्स अवेलेबल है जो कि बिडिंग सिस्टम को जानने के लिए या कीवर्ड्स को रिसर्च करने के लिए, उसके वॉल्यूम को कि पर मंथ कितने सर्चेस आते हैं, A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे गूगल एड्स का डैशबोर्ड है, और यहाँ पे आप देख सकते हो रिपोर्ट्स, सर्च टूल्स एंड सेटिंग। तो यहाँ पे बेसिकली मैं टूल्स एंड सेटिंग पे क्लिक कर लूंगा, प्लानिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस प्लानर, कीवर्ड प्लानर, तो सिंपली आप कीवर्ड पे क्लिक कर लोगे, देन आपके सामने एक कीवर्ड प्लानर का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बेसिकली डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे आप जिस भी चीज के बारे में सर्च करना चाहते हो
उसे आप टाइप कर लोगे। तो मैं अगेन स्मार्टफोन टाइप कर लेता हूँ, देन आपको गेट रिजल्ट पे क्लिक कर लेना है। अगर आप और भी कीवर्ड्स जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली कॉमा लगा के आप और भी कीवर्ड्स को ऐड कर सकते हो। गेट रिजल्ट पे आपको क्लिक कर लेना है और इस तरीके से आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा बेहतरीन टूल है जो कि आपको ए टू जेड रिजल्ट शो कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्टफोन एंड आप इसकी मंथली सर्चेस देख सकते हो 110K है। 3 मंथ चेंज आप देख सकते हो, पिछले 3 मंथ में इसकी जो सर्चेज है वो -19% है। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेंड भी दिख रहा है ग्राफ के मदद से एंड आप देख सकते हो किस तरीके से इसमें चेंजेस आए हैं। दिसंबर में इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम -7% चला गया था, देन जनवरी में ये बढ़कर 15% हो गया, क्योंकि रिसेंटली में बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं जिसके कारण चेंजेस देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे सर्च टर्म यहाँ पे इससे रिलेटेड शो कर रखा है, लाइक वीवो V20 मंथली सर्चेज 1,500,000, ओप्पो A35, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 2,300 कीवर्ड्स यहाँ पे शो हो रखे हैं। आप इसे रिफाइन भी कर सकते हो, लाइक ब्रांड, नॉन ब्रांड, डिवाइसेस, अदर, इन तरीके से। फिलहाल मैं इसे कट कर लेता हूँ। आप कंपटीशन भी देख सकते हो यहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ए टू जेड चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड चाहिए तो देन यहाँ पे आप कंपटीशन पे क्लिक करोगे तो ये देख सकते हो अभी हाई है, देन कंपटीशन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो लो। तो लो कंपटीशन वाले जितने भी कीवर्ड्स है वो आपके सामने आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो फास्ट बूट रेडमी, SP फ्लैश टूल, परव्यू, Xiaomi, Redmi 9, इस तरीके के बहुत सारे कीवर्ड्स है। स्मार्टफोन PNG जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, बेसिकली कीवर्ड प्लानर का यूज करके जो कि गूगल एडवर्ड के जरिए प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पे आप बिडिंग भी देख सकते हो, एड्स, इंप्रेशन वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं। बेसिकली आप इन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आप जान चुके हो कि आप कैसे अपनी ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल के लिए कीवर्ड सर्च कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल सर्च की हेल्प से, गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से और गूगल एडवर्ड की कीवर्ड प्लानर की हेल्प से। एंड मुझे उम्मीद है कि अब आप प्रैक्टिस करके जानने वाले हो कि कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हो, वो भी बिल्कुल सिंपल वे में। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दो और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके।